इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन राखी सावंत इन दिनों दुबई में रेस्ट मोड पर हैं। भले ही राखी पेपरासी के कैमरे से दूर है, लेकिन मुंबई में हो रही हर हरकत पर उनकी नजर है। एक्ट्रेस हाल ही में मेडिकेशन के संजीदा दौर से गुजरी है। राखी ने अपने हेल्थ और लाइफ का अपडेट दिया और बताया कि मुश्किल दौर में किसने उनका साथ दिया। इतना ही नहीं, राखी ने यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक पर भी निशाना साधा है। राखी सलमान खान की बड़ी फैन है। एक्ट्रेस बताती हैं कि सलमान उन्हें किस कदर सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें मेडिकल बिल सलमान खान ने भरे हैं। मुश्किल हालातों में गुजरी राखी सावंत ने सर्जरी के बाद पहली बार बात की है। इस दौरान उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए वो भी बताया है। राखी बोली, डॉक्टर्स को पहले तो लगा था कि मुझे हार्ट अटैक आया था, लेकिन फिर जांच के बाद उन्हें मेरे पेट में 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर मिला। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पेट में इतनी एसिडिटी क्यों होती है। इलाज के तहत उन्होंने मेरा यूट्रस और ट्यूमर हटा दिया। मैं आईसीयू में कोमा में थी। राखी ने बताया कि इस मुश्किल की घड़ी में उनका सलमान खान ने बहुत साथ दिया। वो बिना बोले आगे आए और उनके लंबे चौड़े मेडिकल बिल्स को भरने में मदद की। राखी ने कहा, वो अपने लोगों को कभी नहीं भूलते, बिना किसी को बताए मदद करते हैं। उन्होंने मेरे मेडिकल बिल्स में भी मेरी हेल्प की। मेरे एक्स हस्बैंड रितेश भी मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे। हम अलग हो चुके हैं, उसके बावजूद इसके वो मेरे साथ भीष देते रहे। राखी ने इस दौरान दुख भी जताया कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकेंगी। राखी बोली, दर्द बहुत है अंदर, लेकिन जिंदगी का सामना करना ही पड़ेगा। मैं अब सैरोगेसी के बारे में सोचूंगी, क्योंकि मैं बच्चा गोद नहीं ले सकती। मैं विकी डोनर जैसा कुछ प्लान करूंगी या सोचूंगी। कोई वारिस तो चाहिए ना। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए जैक